नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसका प्रावधान कहाँ है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसकी नियुक्ति कैसे होती है और उसके कर्तव्य क्या हैं, ये सब इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम प्रोविजन देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 76 में किया गया है। भारत का महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में 3 विधिक अधिकारी माने गए हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और अपर महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। अनुच्छेद 76 क्लाज 1 में प्रावधानित है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी का पद संवैधानिक है, परंतु उप महान्यायवादी का पद संवैधानिक न होकर मात्र विधिक है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान जो हमारे अनुच्छेद 76 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। क्लॉज 2 यह कहता है कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें, और उन कृत्यों का निर्वहन करें जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्राप्त किए गए हों। और अनुच्छेद 73 का क्लास 3 यह कहता है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 76 का क्लास 4 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो अनुच्छेद 76 में कुल 4 क्लाज हैं और इन चारों क्लाजों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अहरित हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अहर्ता रखता हो। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसी पारिश्रमिक प्राप्त करता है जिसे राष्ट्रपति अवधारित करें। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है और वह ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा देता है जिसे राष्ट्रपति समय समय पर उसे भेजे या सौंपे। वह उन कृत्यों को भी करेगा जो संविधान या किसी प्रवृत्त विधि के द्वारा उसे दिए गए हों। अपने कर्तव्यों के पालन में उसे देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बनाए गए नियम के अनुसार महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव किए गए सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होगा या भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालयों के समक्ष भी उपस्थित हो सकेगा। और भारत का महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध ना तो कोई सलाह दे सकता है और ना ही किसी मुकदमे में खड़ा हो सकता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्तों का प्रतिवाद नहीं करेगा और न तो किसी कंपनी के संचालक के पद पर नियुक्ति स्वीकार करेगा। भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी सदन में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे समय में उसे संसद में एक सदस्य के समस्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जब वह संसद की कार्रवाइयों में भाग लेता है। इंग्लैंड और अन्य कई देशों में महान्यायवादी का पद राजनीतिक पद है। इन देशों में विधि मंत्री ही महान्यायवादी का कार्य करता है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और मंत्रिमंडल के साथ आता है और उसके विघटन के साथ चला जाता है। लेकिन भारत में स्थिति इससे भिन्न है। भारत का महान्यायवादी इंग्लैंड की भांति मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। भारत में महान्यायवादी का पद बिल्कुल स्वतंत्र पद होता है। अब महान्यायवादी की योग्यताओं के बारे में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या क्या योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 24 क्लास 3 में
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता का प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान इसलिए यहाँ पे उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रावधान का, क्योंकि भारत का महान्यायवादी उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 के क्लास 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 के क्लास 3 के अनुसार कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो और किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, या राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेत्ता है। अतः महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए अनुच्छेद 124 क्लास 3 की अर्हता आवश्यक है। महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 76 में यह है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तो महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही है। महान्यायवादी के कार्य और अधिकार क्या हैं? तो महान्यायवादी को कुछ अधिकार और कार्य संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। अनुच्छेद 76 के क्लास 2 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को उन सभी मामलों पर विधिक सलाह देनी होती है जिसे राष्ट्रपति उसके पास प्रेषित करता है। महान्यायवादी समय समय पर बताई गई विधायी प्रकृति के दायित्व को संपन्न करता है। अनुच्छेद 76 का क्लास 3 यह कहता है कि महान्यायवादी अपने कर्तव्य के पालन में किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से उन सभी मामलों में उपस्थित हो सकता है जिसमें भारत सरकार का कोई संबंध हो, और उन मामलों में उपस्थित हो सकता है जिनको राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श हेतु सुपुर्द किया हो। अनुच्छेद 143 जो है आर्टिकल 143 यह प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित के समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अन्य सभी अधिवक्ताओं की अपेक्षा प्राथमिकता पाता है। और अनुच्छेद 88 में यह कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन जिसमें कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी शामिल हैं तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है उन सभी की कार्यवाही में भाग लेने बोलने का अधिकार होगा, हालांकि उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 105 क्लास 4 यह प्रावधान करता है कि भारत का महान्यायवादी अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियाँ विशेष अधिकार भी प्राप्त कर सकता है जब वह संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है। महान्यायवादी को संवैधानिक महत्व के मामले में परामर्श देने के लिए अध्यक्ष द्वारा सदन में बुलाया जा सकता है। ऐसे मामलों में उसका मत जानने के लिए संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसे आमंत्रित किया जा सकता है, परंतु वे उस वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं और न ही वह उस वाद विवाद को कर सकते हैं। यदि अध्यक्ष जिस सदन में भारत के महान्यायवादी को बुलाया गया उस सदन का अध्यक्ष यदि चाहे तो महान्यायवादी से किसी वैधानिक या संवैधानिक महत्व के मामले में परामर्श ले सकता है, परंतु वह परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। जिस सदन का अध्यक्ष भारत के महान्यायवादी से विधिक मामलों में सलाह लेते हैं उस सदन का अध्यक्ष उन परामर्श या सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। भारत सरकार महान्यायवादी को किसी उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी मामले में कह सकती है। ये महान्यायवादी से संबंधित हमारे कुछ प्रोविजन थे जो कि बिल्कुल डिटेल में समझने की हम लोगों ने कोशिश की। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका नाम है t.me/civiljudge, या फिर सर्च बॉक्स में आप लोग @civiljudge बिना स्पेस के टाइप कीजिएगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और जो लोग हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।